नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आपका एप्पल फार्मिंग महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल में और मैं आपका मित्र शेख फिरोज। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि सेब के पौधे में प्रूनिंग किस तरह करनी चाहिए और उसमें प्रूनिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और आपको एक पौधा में प्रैक्टिकल प्रूनिंग करके बता रहा हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरा 2 साल का पौधा है, ये HR99 का प्लांट है इस वैरायटी का। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट देखिए 7 से 8 फीट तक हो चुकी है और इसमें मेन जो टहने हैं वो तीन टहने हैं प्रॉपर, जो मेन स्टंप है। तो हमें इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें नीचे से ऊपर की ओर प्रूनिंग करना होती है। जैसे अगर नीचे अगर कोई वाटर शूट है तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ शूट्स निकले हुए हैं, ये देखिए, तो इनको हमें रिमूव करना है। अभी ये जो टहनी है ये भी रिमूव करनी है, और अब ये सेकेंडरी ब्रांच है, देखिए इसमें बीमे भी निकले हैं, ये देखिए इस तरह से। तो हमें इसे ज़्यादा आगे नहीं ले जाना है, देखिए इसमें हमें अभी स्पर बनाने हैं, इसलिए हम यहाँ से कट करेंगे। इसे हम यहाँ से कट करेंगे और इसे भी यहाँ से, जो सेकेंडरी ब्रांच है ये यहाँ तक, और यहाँ से हम इसे यहाँ से कट करेंगे। देखिए ये जो आइस दिख रही है आपको, ये आइस के ऊपर से ऐसा अगर आप कट लगाते हैं तो ये टहनी जो बाहर को निकलेगी, और इसमें अभी इस साल बीमे बनेंगे। हमें कम से कम 2 आँख छोड़कर सीधा कट लगाना है हर एक टहनी में। देखिए अभी ये दूसरे, ये देखिए इसे हम यहाँ पर बीमे बना है, हम यहाँ पर इसे रोक देंगे, बाकी जो बीमे हैं ये और डेवलप हो जाएंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए ये ब्रांच इधर को जा रही है, इसमें देखिए अच्छे से इस पर बने हुए हैं कुछ, ये देखिए ये इस साल की ग्रोथ है। तो हमने इस तरह से कट देना है, देखिए इनको दो दो एक या दो आइस पर इस पर हमें ऐसे कट देना है, और ये देखिए यहाँ पर भी हमें इसमें ग्रोथ भी लेनी है और बीमे भी बनाने हैं। तो हमें इतना स्पेस लगभग 9 इंच का गैप में हमें इस पर प्रूनिंग करनी है। और यहाँ पर देखिए अभी ये जो दूसरी टहनी है सेकेंडरी ब्रांच है, हमें इसे भी काट देना है, और जो ऊपर को जा रही है देखिए इस तरह से, तो हमें इसे भी बाहर की ओर, इस आँख के बाहर की ओर काटना है। जो भी अंदर की जो टहनियाँ हैं, देखिए अभी ये जो टहनी है ये अंदर को जा रही है, तो इसे हम निकाल देंगे। और वैसे भी और ये दूसरी टहनी है, देखिए यहाँ पर 1 और 2, ये जो अंदर को जा रही है टहनियाँ, इसे भी हम लगभग 2 से 3 आँख छोड़कर, यहाँ पर देखिए ये बताइए आप, ये देखिए ये 2 से 3 आँख छोड़कर हमें इस तरह से सीधा कट लगाना है, जो यहाँ पर जो बीमे बन जाएंगे आपके अगले साल के लिए। इसमें हमें ग्रोथ भी चाहिए और पीछे बीमे भी बनाने हैं, तो इस तरह से हमें इसकी प्रूनिंग करनी है, देखिए। और अभी ये दूसरे साइड की ब्रांच है, देखिए इस तरह से यहाँ पर बीमे बने हुए, इसमें फ्लावरिंग को स्टार्ट हो चुकी है, कहीं कहीं पर बीमे भी निकल रहे हैं, ये देखिए इस तरह से हमें इस तरह से इसकी प्रूनिंग करनी है, लगभग 2 आइस पर, और आगे से कट कर देना है इस तरह से। यहाँ पर भी देखिए ये मेन स्टंप पर है, यहाँ पर हमने यहाँ से 4 इंच पर हमने इसे कट दे दिया है। और ये अंदर की जो टहनियाँ हैं, पौधा घना ना हो इसलिए हमें इसे भी निकालना ज़रूरी है। और अभी ये वीक ब्रांच है, देखिए वीक ब्रांच, इसे हमने 3-4 आइस पे से 3-4 आँखें छोड़कर इसे ऐसे कट देना है। यहाँ पर हमें बीमे चाहिए, बीमे बनाना है। देखिए मेन स्टंप पर जो बीमे बनता है वो कितना हेल्दी बीमा होता है, देखिए इसमें इस साल फ्रूट लगेगा इस बीमे में। ऐसे इस पर हमें इस मेन जो लीडर है इस पे बनाने हैं, तो उसके लिए हमें इसको कटिंग करना है, देखिए किस तरह से करना है। अभी यहाँ पर जो 3 ब्रांचेस है इसमें बहुत ज़्यादा घनी है, तो हमें इस ब्रांच को यहाँ से कट करना होगा, क्योंकि ये जो ब्रांच है इस साइड को है और ये ब्रांच इस साइड को है, इसलिए हमने ये 2 ब्रांच जो है एक नीचे के ऊपर आ रही थी सेम साइड में, इसलिए हमने उसे कट कर दिया। और इस ब्रांच पे देखिए हमने छोटे टहने को कट कर दिया, और इसमें और ग्रोथ के लिए यहाँ से कट कर दिया।
इसमें हमें ग्रोथ भी चाहिए और यहाँ पर बीमे बनाने हैं, तो इसलिए हमने इसे यहाँ से कट किया और इसे भी सेम 10 या 9 इंच से इतना छोड़कर हमने इसे कट कर दिया। ये देखिए इस तरह से एप्पल की प्रूनिंग अगर आपने समझ ली तो बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको बस प्रूनिंग प्लांट के अकॉर्डिंग होती है बागवान भाइयों, जितना प्लांट आपका खिला खिला रहेगा, जैसे इसमें ब्रांचेस कम रहेगी तो प्रूनिंग और भी इजी हो जाती है। ये देखिए हमें अंदर की ओर जो भी टहनी जा रही है उसे स्टॉप करना है। अभी ये जो पुराने टहना है देखिए इस तरह से, इसमें तो हमें इसमें बीमे बन रहे हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पर बीमे बन चुके हैं कुछ, तो हम इसे यहाँ से स्टॉप कर देंगे, हमें इसकी ग्रोथ नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये बारीक छोटी छोटी टहनियाँ निकली होती है जो लगभग 9 इंच से ऊपर होती है, जो टहनियाँ 9 इंच से ऊपर होती है हमें उसे इस तरह से कट कर देना है। और ये साइड ब्रांच को अगर आपको इसमें ग्रोथ और भी लेनी है तो इसे 50% जैसे यहाँ से 10 से 9 इंच के बाद हमें तिरछा कट मारना है 45 डिग्री एंगल पर। अगर आपको ग्रोथ नहीं लेनी है तो आप यहाँ से सीधा कट दे सकते हैं, इसमें हमें ग्रोथ नहीं लेनी है। इसी तरह यहाँ पर भी हमें इसमें ग्रोथ नहीं लेनी है तो हम उसे वहाँ से स्ट्रेट कट मार देंगे। जैसे अभी देखिए यहाँ पर भी जो ब्रांचेस है इसे भी हमने दो आग से कट कर दिया, हमें इसमें भी ग्रोथ नहीं चाहिए, इसमें हमें स्पर बनाने हैं, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे स्टॉप कर दिया। वैसे ही इस ब्रांच में भी ये जो मेन ब्रांच जा रही है नीचे से, ये देखिए इसे भी हमने निकाल दिया, इसे भी निकाल दिया। अभी यहाँ पर आने वाले अगले साल के लिए यहाँ पे बीमे बनेंगे और जो ग्रोथ है जो सेप जो है यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा वीक ब्रांच में। वैसे ये इसकी सेकेंडरी ब्रांच है, इसे भी हमने यहीं स्टॉप कर दिया और इसे भी स्टॉप कर दिया। देखिए आपको अगर ग्रोथ लेनी है बागवान भाइयों, देखिए ये जो टहनी है इस साल की जो ग्रोथ है नई ग्रोथ, हमें अगर इसमें ग्रोथ लेनी है आपको पौधे को बढ़ाना है तो आपको लगभग 50% यहाँ से कट देना होगा। और अगर आपको ग्रोथ नहीं लेनी है तो उसे 2 या 3 आँख पे से हमने सीधा कट लगाना है। बागवान भाइयों आपको समझ लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर जो रिंग आपको जो बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा यूट्यूब पे, ये रिंग जो पड़ता है इस तरह से पड़ता है, देखिए यहाँ पर रिंग पड़ा हुआ है। अगर हम इस रिंग पे ऐसा सीधा कट लगा देते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, इसमें कभी भी ग्रोथ नहीं आएगी, इसमें जो है तो सिर्फ बीमे बन जाएंगे, इसलिए जो रिंग कट जो बोलते हैं वो इस तरह से होता है। और देखिए अभी ये जो ब्रांच है इसमें हमने थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए तो यहाँ से हमें इसमें कट दे देना है। ये देखिए अगर हमें बीमे बनाने हैं तो हम रिंग पे कट दे सकते हैं अच्छे से। और ये देखिए ये भी मेन ब्रांच से आ रही है, देखिए इसमें भी ग्रोथ नहीं जा रही है, तो इसे हमने लगभग 2 इंच से कट कर दिया। अभी ये देखिए इस तरह लगभग सभी टहनियों में वैसे ही आपको प्रूनिंग करनी है। अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो आपको 45 डिग्री एंगल पर कट लगाना है, वरना सीधा कट लगा देना है आपको। ये देखिए अभी ये यहाँ पर जो है कि टहनी कितनी इस साल की ग्रोथ है, देखिए कितनी बड़ी ग्रोथ ले ली है इसने। अगर हमें इस साइड में देखिए देख सकते हैं आप, इस साइड में हमें एक भी ब्रांच नहीं है इससे, यहाँ पर देखिए छोटी छोटी ब्रांच। अगर आपको यहाँ से ब्रांच इस साइड में लेनी है तो आपको ये जो आँख दिख रही है हमें इस पर तिरछा कट लगाना है, जैसे इसमें अगले साल जो अभी जो इस साल ग्रोथ आएगी वो इस साइड को निकलेगी एक ब्रांच, इसमें बीमे भी बन जाएंगे और इस साइड को हमें एक ब्रांच भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको प्रूनिंग करनी पड़ती है। ये देखिए अब ये दो ब्रांचेस साथ में थी, इसे हमने कट कर दिया और इसमें अभी हम हेड बैक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से 50% हमने उसमें से कट कर दिया। अब ये जो ब्रांच है देखिए इस पौधे में से, ये जो एक इधर को जा रही है और एक इधर को, तो इधर ये अंदर की ओर जा रही है, तो इसे हमने 2 इंच पर से कट कर देना है, 2 या 3 आँख पर से, क्योंकि यहाँ पर हमें बीमे बनाने हैं। और पौधे में आप ये जो सन है डायरेक्ट सनलाइट जो है वो अच्छे से पहुँच सके, इसलिए अभी पौधा कैसा खिला खिला लग रहा है।
उसी तरह हमें अभी इस महीने में जो है तो हमें ग्रोथ चाहिए, तो हम इसे लगभग यहाँ से कट कर देंगे। इसमें जो बीमे है इसमें फ्रूट भी आ जाएगा और यहाँ आगे को यहाँ पर ग्रोथ भी आ जाएगी। अब ये अंदर की ओर जा रहा है तो इसे हमने 2 या 3 आंचे से कट कर दिया। और बागवान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये मेन स्टंप है, ये मेन लीडर जो है पौधे का, इसे भी क्या करना है, इसमें भी जो ब्रांचेस निकली होती है ऊपर की ओर, उसे भी हमने 3 या 2 इंच से 2 आंक छोड़कर इस तरह कट करना है। अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो लगभग 50% यहाँ से ऊपर हमें काटना होगा। अगर आपको ग्रोथ नहीं लेनी है तो आप सिंपल सा एक या 1.5 फीट से ऊपर से इसमें हेड बैक कर दे, यानी कि आप जितना कट ऊपर लगाओगे इस टहनी में, देखिए ये जो टहनी है इसमें आपने अगर यहाँ पर कट लगा दिया, लगभग 8 से 9 इंच के इतनी ग्रोथ आपने इसमें निकाल दी, तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ नहीं आएगी। जितनी ग्रोथ आनी चाहिए उसमें ग्रोथ नहीं आती है, इसमें क्या होगा, बीमे बनते जाएंगे और इसमें स्टॉप हो जाएगी, इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। अगर आपको इसमें ग्रोथ लेनी है तो 50% यानी कि यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ है इसमें से 50% हमें इस तरह से कट लगाना है, जब इसमें ग्रोथ भी आएगी और पीछे बीमे बन जाएंगे, ये आपको समझ लेना चाहिए। बागवान भाइयों को बहुत सारे बाद में बागवान भाइयों को ये समझ नहीं आता है कि प्रूनिंग किस तरह से करनी है। और आप देखिए ये जो लीडर है, अभी ये तीनों टहनियाँ सेम है, एक समान इसमें ग्रोथ है। देखिए इस तरह से, तो हमें इसमें इस तरह ग्रोथ चाहिए और यहाँ पर बीमे चाहिए, तो हमने इसमें तिरछा कट लगा दिया और सेम इसमें भी हमने वैसे ही किया। और ये जो ब्रांच है हमें इसमें ग्रोथ नहीं लेनी है अगले साल के लिए, हमें इसमें यहीं पर स्टॉप करना है, तो हमने इसमें हेड बैक कर दिया लगभग 9 इंच से, ये देखिए इस तरह से प्रॉपर प्रूनिंग जो है इस तरह से की जाती है। ये देखिए इसकी जो सब ब्रांचेस होती है, अभी यहाँ पर को स्पेस है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसमें ग्रोथ भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी अच्छी खासा स्पेस है पौधे के लिए बढ़ने के लिए, तो आप इस तरह से पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमें इसमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमने सीधा कट लगा दिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर बीमे बने हैं, इसमें से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हुई है। ये देखिए फ्लावरिंग जैसे अभी स्टार्ट हो चुकी है, कहीं कहीं किन बीम कुछ बीमों में से तो फ्लावरिंग हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें ग्रोथ में नहीं लेना है। ये देखिए अभी ये जो है यहाँ की आइस, स्लिपिंग आइस जो है एक्टिव हो जाएगी और ये बीमों में से फ्रूटिंग होगी। तो इस तरह से आपको इन पौधों की प्रूनिंग करनी है। जैसे आपके लीडर कितने हैं, 2 है या 3 हैं, तो जो मेन लीडर होता है उसे हम उसमें हम ग्रोथ नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि हाँ हाइट लगभग बहुत हो चुकी है। देखिए आप पौधे की हाइट जो है प्रॉपर हो चुकी है, अभी इससे ज़्यादा हमें ग्रोथ उसमें नहीं लेनी चाहिए। तो बागवान भाइयों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।